गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट लाइट रिएक्शंस, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इट वॉज पुट फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ATP। नाउ लाइक इन रेस्पिरेशन, in photosynthesis too, ATP formation takes place and it is linked with development of proton gradient across a membrane. In this case, the membrane is thylakoid. Now, reasons for the development of proton gradient are as follows. Why the proton gradient develops? First, let me explain you what is actually proton gradient. The difference in concentration of proton across the membrane, that is in this case inside the lumen of the thylakoid and outside the thylakoid membrane, that is stroma. Here the difference in concentration of the proton is actually called as proton gradient. Now how this difference in concentration arises, now we are looking at that particular thing. क्यों ऐसा होता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम होता है एक तरफ, ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि थैलाकोइड ल्यूमन में ऐसा होता है। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट के बाहर आ जाता है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लिबरेट होता है। हाइड्रोजन जो H+ आयंस हैं वो वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं थैलाकोइड ल्यूमेन के अंदर, तो जाहिर सी बात है स्ट्रोमा से ज़्यादा H+ आयंस ल्यूमेन के अंदर आ गए, ये एक रीज़न हुआ। नाउ ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये देखिए थैलाकोइड, ये फोटोसिस्टम सेकेंड यहाँ पर अरेंज है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर। ये साइटोक्रोम BNF, ये जितने भी प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं, करियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी अरेंज है। फोटोसिस्टम 1 भी यहाँ पे अरेंज है। ये है थैलाकोइड का ल्यूमन, ल्यूमन एज सच, ल्यूमन ऑफ थैलाकोइड। और यहाँ आप देख रहे हैं ये H+ आयंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ये एंजाइम है ATP सिंथेज, ये इसका CF0 पार्ट है जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर एम्बेडेड है, और ये बाहर वाला CF1, दिस इज आउटसाइड, दैट मीन्स इट इज फेसिंग टूवर्ड्स द स्ट्रोमा। ये पूरा पार्ट यहाँ का स्ट्रोमा है, दिस इज ऑल स्ट्रोमा एज सच, वेयर यू नो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। सो नाउ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स, यू नो व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द क्लोरोफिल पिगमेंट्स एज सच, the electrons get excited and they are first accepted by primary acceptor. Now this primary acceptor is actually hydrogen, not an electron acceptor as such, it is hydrogen, simply in hydrogen, and hydrogen contains a proton and an electron, it is already balanced. When it receives two electrons at the same time, it becomes unbalanced, and therefore two protons from the stroma side comes in order to accept that particular electrons. Now from the primary acceptor the electron moves to the another acceptor, protein acceptor as such, and this is an electron acceptor. Now these two hydrogen ions which were earlier taken up by the hydrogen, now they move towards the lumen as such. Wo kya hota hai, diffuse karke lumen ke andar pahunch jate hain. तो ये एक दूसरा तरीका है जहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ एच आयंस अब थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर और ज़्यादा बढ़ रही है। नाउ ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, स्ट्रोमा में घट रही है और ल्यूमन के अंदर बढ़ रही है, तो ये दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न ये है, ये आप देख रहे हैं NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये स्ट्रोमा की तरफ लोकेटेड होता है, कहने का मतलब स्ट्रोमल साइड जो प्रेजेंट होता है थैलाकोइड का बाहर जो प्रेजेंट एरिया है वहाँ ये लोकेटेड है। ये जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो ये क्या करता है, NADP को NADP प्लस
NADPH और H+ में कन्वर्ट करता है। जब ऐसा हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने के बाद जो H+ आयंस हैं ये फिर से ल्यूमन में डिफ्यूज हो जाता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, स्ट्रोमा से H+ आयंस कम हो रहे हैं, वहीं से स्ट्रोमा से ही H+ आयंस आए हैं और NADP को NADPH+ H में कन्वर्ट किया इन्होंने। और रिमूव कहाँ से हुए, स्ट्रोमा से हुए, तो नेचुरली वहाँ फिर H+ आयंस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, घट गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस, यू कैन सी दिस इज द डायग्राम विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। ये देखिए ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, तो ये हाइड्रोजन होता है, इस केस में हाइड्रोजन इज द प्राइमरी एक्सेप्टर। अब यही वजह है कि हाइड्रोजन जब प्राइमरी एक्सेप्टर है तो बट नेचुरल है जब दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो स्ट्रोमा से ये क्या लेगा, प्रोटॉन्स लेगा, स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स लेगा। बाद में जब ये प्लास्टो क्यूनॉन इसको एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये जो H+ आयंस हैं ये डिफ्यूज होके ल्यूमन के अंदर पहुंच जाएंगे, यानी थैलेकॉइड ल्यूमन के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये हमने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पे NADP प्लस रिडक्टेज एंजाइम में NADP प्लस को कन्वर्ट किया NADPH में और H+ में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे हैं। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का डायग्राम है। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद ये NADPH में कन्वर्ट हो गया, तो जो प्रोटॉन्स आए थे, यानी कि प्रोटॉन्स जो रिस्पॉन्सिबल थे हाइड्रोजन बनाने में, और एक प्रोटॉन जो बच गया था वो अंदर डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा में H+ आयंस का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और अंदर बढ़ जाता है। ये भी डायग्राम वही चीज़ दिखा रहा है, देखिए pH यहाँ लो हो गया और pH यहाँ पे बढ़ गया स्ट्रोमा में। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ H+ आयंस कम होते चले जा रहे हैं और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर H+ आयंस बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि H+ आयंस अगर बढ़ेंगे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में तो pH कम होगा, स्ट्रोमा में अगर H+ आयंस कम होंगे तो pH ज़्यादा होगा। ये आपको बात पता है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये ATP सिंथेज एंजाइम का है, जिसके दो पार्ट हैं, ये CF0 है, CF0, और ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये CF1 है एंड इट इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द स्ट्रोमा। ये देखिए फिर वही हिस्सा, वही चीज़ दिखा रही है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रेक हुआ है ऑक्सीजन और H+ आयंस में, तो थैलेकॉइड ल्यूमन में H+ आयंस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ भी देखिए यहाँ NADP जो NADPH में कन्वर्ट हो गया, H+ आयंस यहाँ इंक्रीज हो रहा है। तो ये देखिए ये प्रोटॉन्स लाइट पड़ रही है यहाँ पे और H+ आयंस यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये ग्रेडियंट बन रहा है, यानी कि प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन डिफरेंस, यहाँ पे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन, यहाँ डिक्रीज इन, ये स्ट्रोमा है तो यहाँ पे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन इज टेकिंग प्लेस, यू कैन सी द डायग्राम एज सच। नाउ हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन इन द स्ट्रोमा डिक्रीजेज इन नंबर व्हाइल द ल्यूमन देर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स। This creates a proton gradient across a thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in the lumen. जैसा कि आपने देखा वहाँ pH 5 हो गया है और बाहर stroma में pH 8 है। Now due to this gradient formation, now gradient जब बनता है it has to break also, क्योंकि ये nature चाहता है कि हमेशा जो है दोनों चीज़ें equilibrium में आए, तो there has to be breaking down of the proton gradient, and when the proton gradient breaks down it results in formation of ATP. इससे पहले वाला जो structure आप देखिए यहाँ पे, ये है आपका CF1 और ये है आपका CF0. जब H+ ion CF0 से diffuse होता है तो this is because of this is called as facilitated diffusion. जब ये diffusion होगा तो देर विल बी अ कन्फर्मेशनल चेंज इन सी एफ वन। ए टी पी सिंथेस का दूसरा जो पार्ट है जो स्ट्रोमा की तरफ फेस कर रहा है वो सी एफ वन,
जब एच प्लस आयंस डिफ्यूज होंगे तो दैट विल चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ सी एफ वन, एंड बिकॉज द सी एफ वन कंसनट्रेशन सी एफ वन कन्फर्मेशन इज चेंजिंग इट रिजल्ट इन कन्वर्जन ऑफ ए डी पी टू ए टी पी, तो इस तरह से ए टी पी का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ आपने देखा कि ए टी पी का भी फॉर्मेशन होता है और साथ में एन ए डी पी एच का भी फॉर्मेशन होता है, ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह है जो लाइट रिएक्शंस हैं वहाँ पे ए टी पी और एन ए डी पी एच का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, बिकॉज जो हिस्सा स्ट्रोमा में प्रेजेंट है वहाँ पे केल्विन साइकिल होगी, वो साइकिल होती है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिक्स होके कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एक तरफ एनर्जी बनती है और वो एनर्जी फिर किस में लगती है, वो लगती है कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, तो बट नेचुरल है एनर्जी एक तरफ बनेगी और एक तरफ यूज होगी। इस वजह से क्लोरोप्लास्ट में ये सिस्टम है, मेम्ब्रेन्स के अंदर थैलाकोइड के अंदर एटीपी और एनडीपीएच बनता है, और बाहर जहाँ पे केल्विन साइकिल है यानी कि जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, वहाँ पे ये एनएडीपीएच और एटीपी यूज्ड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज एसेंशियल एज यू नो। नाउ ये हम लोग ने देख लिया है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी होम असाइनमेंट। देखिए सिस्टम बहुत जो भी हमने पढ़ाया है बहुत आसान सा है। कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में ये बताया जाता है कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये हाइपोथेसिस है। पहले हमने बताया कि आपका वाटर जब ब्रेक डाउन होगा और ल्यूमन की तरफ ब्रेक डाउन होता है जो थैलाकोइड के अंदर प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर प्राइमरी एक्सेप्टर पर ये जब इलेक्ट्रॉन पास होता है एक्साइटेड स्टेट में आता है, सनलाइट पड़ती है, तो क्लोरोप्लास्ट से जो रिएक्शन सेंटर जो प्रेजेंट है जिसको क्लोरोफिल ए बोल रहे हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा, तो जब एक्सेप्ट करेगा प्राइमरी एक्सेप्टर हाइड्रोजन है वो अनस्टेबल हो जाएगा, इसी वजह से वो दो प्रोटॉन बाहर से लेता है यानी कि स्ट्रोमा साइट से लेता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज कर सके जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से पास होके मूव करके दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पे पहुँच जाता है प्रोटीन पे, तब वो प्रोटॉन वहाँ पे अब कोई किसी यूज़ के नहीं है, इसीलिए वो डिफ्यूज़ करके कहाँ पहुँच जाते हैं, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया कि किस तरह से जो एनएडीपी जो रिडक्टेज एंजाइम है वो एनएडीपी प्लस को एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर देता है, तो वहाँ भी एक जो प्रोटॉन बाहर से लिए जाते हैं वो भी अब यूजलेस हो जाते हैं, तो डिफ्यूज़ होकर थैलाकोइड मेम्ब्रेन में पहुँच जाते हैं। इसकी वजह से प्रोटॉन का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ता है और बाहर वो घटता है यानी कि स्ट्रोमा जहाँ है वो घटता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। अब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, प्रोटॉन का डिफरेंस क्रिएट हो गया, तो बट नेचुरल है, हमने आपको बताया नेचर एक रूल फॉलो करता है, रूल ऑफ इक्विलिब्रियम, तो जब वो रूल फॉलो होगा तो बट नेचुरल एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एटीपी सिंथेस, जिसका एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं CF0 वो एम्बेडेड होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन में, और जो CF1 है इट फेस टूवर्ड्स द स्ट्रोमा। तो जब जो प्रोटॉन है वो डिफ्यूज करता है विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड इट पासिस फ्रॉम द CF0 पार्ट विच इज एम्बेडेड इन द थैलाकोइड एंड रीचेस द CF1 पार्ट। एज सून एज दिस अकर्स देयर इज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द CF1 पार्ट, बिकॉज ऑफ दैट ATP सिंथेसाइज। तो ये थोड़ा सा होमवर्क है, आप देख लीजिएगा, हमने सारी बात आपको बता दी है। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।